बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द रमज़ान सीरीज़ ऑफ द सॉस पैन। आजकल हम अफ्तार की रेसिपीज़ शेयर कर रहे हैं आपसे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हम अपने सॉस पैन में जो बना रहे हैं वो है चिकन चीज़ बॉल। बहुत मज़े की रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे रेसिपी। पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। हमने आलू ले लिए तकरीबन 1 किलो, 1 kg। हमने बोनलेस चिकन ले लिया है तकरीबन 250 ग्राम्स। इसमें क्या क्या स्पाइसेस डालेंगे वो नोट कर लें। गार्लिक पाउडर है 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून, या हसबे जायका आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। पार्सले है 1 टीस्पून, हरी धनिया हमने फ्रेश लिया उसको बारीक चॉप करके डालेंगे। ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, मिक्स हर्ब्स हैं 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर है 1 टीस्पून और गार्लिक पाउडर है 1 टीस्पून। कोटिंग के लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर 1 कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, 2 अदद अंडे। चिकन में हम बॉईल करेंगे चिकन को, अदरक लहसुन पेस्ट 1 1 टीस्पून डाल के और सोया सॉस टीस्पून डाल के हम चिकन बॉईल करेंगे। और चीज़ हमें चाहिए क्रश की हुई 1 कप। आप क्यूब्स में भी ले सकते हैं, मैं दोनों में आपको करके दिखाऊंगी, क्यूब्स में भी और क्रश हुई हुई भी। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम चिकन बॉईल करेंगे सोया सॉस और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और नमक डाल के और काली मिर्च। जी, सबसे पहले हम चिकन बॉईल कर लेंगे। एक पैन में मैंने चिकन डाल दिया, 2 ग्लास पानी डाल दिया है। अब इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, नमक, सोया सॉस और अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था वो शामिल कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको बॉईल करके इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे, तकरीबन 15 to 20 मिनट्स में ये चिकन बॉईल हो जाएगी और इसका पानी हम बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। जी, ये देखें चिकन हमारा बॉईल हो गया है, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसे ठंडा करके श्रेड कर लेंगे। जी, हमने ये आलू बॉईल करके मैश कर लिए हैं, चिकन भी हमने बॉईल करके श्रेड कर ली थी, आपको दिखाई थी चिकन हमने बॉईल करके श्रेड किए। चलें जी, अब शुरू करते हैं, इसमें सारे मसाले ऐड करते हैं और इसको मिक्स करके इसके चीज़ बॉल्स बनाते हैं। सबसे पहले हम आलू में चिकन ऐड करेंगे। इसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट, नमक, काली मिर्च, पेपरिका पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स और पार्सले। हरा धनिया, ये सब डाल के हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। बॉल्स बनाते हैं, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, नमक भी चेक कर लिया है, बिल्कुल ठीक है। आप अपने हिसाब से, अगर आपको कम लगे तो एडजस्ट कर सकते हैं आप। ये इस तरह हमने दे दिया, देखिए हमने राउंड किया, साइज में अगर बड़े लगे तो थोड़े कम कर लें, बहुत बड़े भी नहीं अच्छे लगते हैं चीज़ बॉल और बहुत छोटे भी नहीं, मीडियम साइज़ के। फिर इस तरह राउंड बनाया, एक होल किया, क्यूब में दिखा रही हूँ इस तरह से करके हमने इसको फिर राउंड कर लिया। इस तरह से राउंड कर लिया, ये देखिए ऐसे राउंड बन जाएंगे। अब मैं एक श्रेडेड चीज़ वाला आपको बना के दिखाती हूँ।
शेडेड चीज़ वाला भी हम इसी तरह बनाएंगे। किया और इसमें ये शेडेड चीज़ हमारा रखा है, उसको डाला और ऐसे राउंड कर दिया। अब हम इनको कोटिंग करेंगे। सबसे पहले हम जो ये मैदा लिया था इसमें लगाएंगे, अच्छी तरह इसको कोट करेंगे। इससे क्या होता है कि चीज़ बॉल में चीज़ एकदम टूट के बाहर नहीं आता है, सही रहता है बिल्कुल अंदर, वरना वो सिर्फ अंडा और क्रम ब्रेड क्रम्स लगाएं तो वो फिर बिल्कुल फट जाता है फ्राइंग में ही, चीज़ बाहर आ जाता है। इस तरह से ये हमने इस तरह से जी ये चिकन चीज़ बॉल रेडी है। आप भी ट्राई करें ये रेसिपी, आपको पसंद आएगी। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।